Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to share with you all Amazon haul under ₹250. So बहुत ही affordable haul होने वाला है ये and सारे products का link होगा नीचे description box में. So अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है and आप लेना चाहते हो तो आप वहाँ से ले सकते हो. So yeah, let's get started. सो बेसिकली मैंने सारे के सारे टी शर्ट्स ली हैं अंडर ₹250. सो मैं आपको वन बाई वन दिखाती हूँ. सो फर्स्ट वन इज़ दिस रियली ब्यूटिफुल सा टी शर्ट. इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लो आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. वाइट एंड स्काई ब्लू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड दिस वन इज़ बाई ब्रांड एक्टिव बाई लाइफ. साइज में मैंने लिया है एम बिकॉज टी शर्ट्स ओवर साइज ही अच्छी लगती है मुझे. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है बट इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि ये मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड आई एम श्योर अबाउट दिस बिकॉज मुझ पर ब्राइट कलर्स ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आई डोंट नो लोगों का बट मेरे को अपने ऊपर ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं. सो दिस द फर्स्ट आइटम एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. कपड़ा बहुत सॉफ्ट है एंड इसका जो ये स्लीव्स वाला डिज़ाइन है लाइक यहाँ से कलर अलग वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट आई गॉट दिस टू टी शर्ट का सेट. सो ये दो टी शर्ट का सेट है एंड जो भी प्राइजेस वगैरह होगा वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी. सो ये दोनों का कॉम्बो था तो मैंने कॉम्बो से लिया है. एंड फर्स्ट वन इज़ दिस ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. लाइक कॉटन में समथिंग मिक्स है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. प्रॉपर कॉटन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है एंड थोड़ी बहुत स्ट्रेचेबल भी है. लाइक लुक एट दिस, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है ये. एंड इसमें साइज है मेरा स्मॉल बट फिर भी ये मेरे को थोड़ा थोड़ा लूज फिट देगा. एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे एंड दिस वन इज बाय द ब्रांड कॉल्ड incastdenim.co. आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है, मैंने अभी तक सुना नहीं था इनकास्ट करके कोई ब्रांड. बट या दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट एंड जो सेकेंड है वो अगेन दूसरे कलर में है. ये लेवेंडरिश पर्पल टाइप का कलर है. प्रॉपर लेवेंडर तो नहीं बोलूंगी मैं बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क है. एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है मीन जीन्स किलर लुक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका भी फैब्रिक वैसा ही है, कॉटन नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ मिक्स किया गया है एंड स्ट्रेचेबल काफ़ी है. नेक्स्ट इज अगेन इन स्काई ब्लू कलर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. ये मेरे को चारों डेजी फ्लावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रोकन मेमरीज. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. इनफैक्ट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर नाउ बिकॉज ये काफ़ी अच्छी लग रही है. मेरे ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में. मैं ट्राई ऑन पार्ट भी लगा दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ. बट या मुझे बहुत ही अच्छी लगी. इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. ये प्रॉपर कॉटन फैब्रिक है एंड इसके ऊपर जो ये डेजी फ्लावर्स बनाई गई है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. ये कॉटन नहीं है, इसके ऊपर कुछ फोम का वर्क किया गया है एंड आई डोंट नो ये वर्क जो है वो ख़राब होगी कि नहीं होगी. सो मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती बट हाँ प्राइस बहुत ही सस्ती में मिल गई थी मुझे ये. एंड इसमें साइज है मेरा स्मॉल. नेक्स्ट आई गॉट दिस टी शर्ट एंड इस टाइप का प्रॉपर एकदम प्रॉपर ऐसा कलर मेरे पास नहीं था. एंड इसके ऊपर जो ये सिल्वरिश का शाइनी वाला डिज़ाइन बनाया गया वो इसको और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है. बेसिक है बट स्टाइलिश है तो आप इसको जीन्स के साथ कैरी करोगे तो भी ये अच्छी लगेगी. एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है डाउन टू अर्थ बट स्टिल अबव यू. सो या बहुत ही अच्छी लाइन है. एंड इसमें मेरा साइज है स्मॉल. क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट सा फील हो रहा है बहुत. एंड इसका जो लेंथ है वो बहुत ही कम है. लाइक जो बेसिक टी शर्ट्स आती है ना वैसी है, बिल्कुल भी ओवरसाइज नहीं है, बिल्कुल भी लूज फिट वाली नहीं है. एकदम परफेक्ट साइज एंड परफेक्ट चौड़ाई की टी शर्ट है ये. सो दिस इज द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट आई गॉट दिस मेहंदी ग्रीन कलर का टी शर्ट एंड इसके ऊपर ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाया गया कार्टून वाला. सो स्क्वायर पे ना कुछ कुछ लड़कियाँ है एंड इसके ऊपर कुछ कुछ लिखा भी हुआ है. ईच टाइम वी स्टैंड फॉर आवर सेल्फ, वी स्टैंड फॉर एवरी वुमन. सो या बहुत ही अच्छी लाइन है एंड कलर देख सकते हो आप बहुत ही अच्छी लग रही है. एंड डार्क कलर की टी शर्ट ना अगर आप फेयर स्किन टोन हो या फिर आपकी स्किन टोन थोड़ी ब्राइट है तो और भी ज़्यादा खिलती है. सो ये मैंने परचेज़ करा है एंड ये मैक्स की टी शर्ट है. मैक्स में अगर आप जाके लोगे ना तो इसका प्राइस पड़ेगा आपको 249 बट ये अगेन डिस्काउंट में मिली थी 150 के आसपास. सो दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम. का क्वालिटी अगेन बहुत सॉफ्ट है. सारे टी शर्ट मैंने कॉटन टाइप के ही लिए हैं ताकि मैं उसको पहन सकूँ डे टू डे लाइफ में. नेक्स्ट आई गॉट दिस ग्रेश कलर का टी शर्ट जो कि डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन है. इसके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड योर फायर एंड इट इज़ बाई द ब्रांड कॉल्ड
एट्रैक्टिव बाय लाइफ साइज है इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल, बट ये लुक एट दिस, ये कहीं से आपको एक्स्ट्रा स्मॉल दिख रहा है, ये अगेन ओवर साइज टी शर्ट है एंड आई डोंट नो कि ये इतना ज़्यादा ओवर साइज आएगा, मुझे लगा नहीं था बट हाँ आ गया, कोई बात नहीं, मुझे ओवर साइज टी शर्ट वैसे भी पहननी बहुत पसंद है। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट आइटम और लास्ट आइटम, लेट मी चेक, एक और बाकी है। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट आइटम एंड अगेन इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है, प्राइस भी बहुत ही कम मैंने पे किया था, इसके MRP रेट है 399 बट यू गाइस ऑलरेडी नो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे मिली होगी। सो नेक्स्ट आई गॉट दिस, ये लाइफ की टी शर्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये स्काई ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है बट हाँ इसके ऊपर जो प्रिंट है वो बहुत ही क्यूट है, लाइक लुक एट दिस, इसके ऊपर एग्स बने हुए हैं, ऑमलेट बनी हुई है, बॉयल एग है, सारे एग्स वाले डिज़ाइन है एंड मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी ये देखने में, प्रिंट था दैट्स व्हाई मैंने लिया, बिकॉज प्रिंटेड टी शर्ट बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है एंड आप इसको बेसिक कपड़ों के साथ भी स्टाइल करके बाहर जा सकते हो, बेसिक जीन्स पहन लो, बेसिक पैंट पहन लो, उसके ऊपर टी शर्ट डाल लो तो काफ़ी अच्छी लगती है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम एंड आई रियली लव दिस टी शर्ट बिकॉज ऑफ द प्रिंट। सो या ये लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल की एंड सारे प्रोडक्ट्स का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो इनकेस अगर आपको कुछ भी अच्छी लगी हो तो आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।